जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कभी आपने आजमाया होगा, कभी आपने देखा होगा कि अपने ही घर में हमें अनजाना सा डर लगने लगता है, अनजाना सा भय, मन में बुरे बुरे ख्याल। ऐसा लगता है कोई हमेशा हमारे साथ कोई और भी है, कोई और चल रहा है। कभी ऐसा होता है कि कोई दुष्ट शक्तियाँ हमारे घर में प्रवेश कर लेती, कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश कर लेती है। अचानक हमारे बच्चे उद्दंड हो जाते हैं, हमें जवाब देने लगते हैं, हमारे परिवार में कलह की स्थिति बन जाती है, तनाव की स्थिति। अच्छा भला सब चल रहा था और अचानक से लड़ाई झगड़े, कभी धन की हानि होने लगती है, हॉस्पिटलों में पैसा भरना, बीमारियाँ लगातार चलते रहना, कोई आकस्मिक दुर्घटना। अच्छा भला काम धंधा चल रहा था, नौकरी अच्छी भली थी, छूट गई, काम धंधा ठप पड़ गया। ये सारे कारण हमें लगता है कि हमारे घर में कोई बहुत बड़ी, कोई ऐसी अदृश्य दुष्ट आत्मा, दुष्ट शक्ति आ गई है जो हमारे अनिष्ट पे अनिष्ट किए जा रही है। यदि ऐसा है, हमारे बच्चे भी रात को सोते सोते डर जाते हैं, अच्छे सपने नहीं आते, डरावने सपने आते हैं। कभी कभी बड़ों बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, अचानक से नींद में चमकना, चौंकना, ऐसा लगता है कि पलंग पे से गिर गए हों। ये सारी घटनाएं यदि हमारे साथ होती है, बहुत ही साधारण सा, बहुत ही छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, बहुत ही छोटा सा प्रयोग। आपको बहुत कुछ खास नहीं करना है, शनिवार के दिन करने वाला उपाय है ये। आप दिन भर आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें। रात्रि में आप जो माचिस होती है उसमें एक तीली, आप जानते होंगे जो तीली होती है, कभी आपने देखा होगा, अधिकतर घरों में होता भी है, जब पीरियड्स में बच्चियां होती हैं तो हम उनके साथ एक तीली रख दें, माचिस की जो तीली होती है वह रख दें, तो जो डर रहता है एक कोई उनके साथ अनिष्ट ना हो जाए, रास्ते में चले कहीं पैर ना पड़ जाए, कहीं गलत शक्तियां उसके साथ ना जुड़ जाए, इसलिए यदि हम उसके साथ माचिस की तीली रख देते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, बचाव होता है। साथ ही जब कहीं कभी हम रात्रि में हमें शमशान के रास्ते से जाना पड़े, कोई सुनसान रास्ते से जो अच्छा नहीं माना जाता, अनजानी शक्तियों का डर रहता है, वहाँ यदि जाते हैं और जेब में हमारे माचिस, उसमें एक तीली रखी हुई हो, यदि रखी रहती है तो हमें फिर यह डर भी नहीं लगता और हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना भी नहीं होती। इसलिए आप सब भी जानते ही होंगे और कभी ना कभी किया भी होगा आपने, कि एक तीली आप रख के ले जाइए, फिर कोई डर नहीं रहेगा। ऐसा ही ये उपाय है, बहुत छोटा सा। यदि आपका बच्चा डर रहा है नींद में, या आपके परिवार का कोई भी मेंबर रात्रि में ऐसा लगता है आपको कि वह डर रहा है, तो शनिवार के दिन सोते समय उसके तकिए के, जो तकिया लगा के सोता है, उसकी खोल के अंदर आप एक माचिस की तीली रख दें। खोल के अंदर रखना है, बाहर तरफ नहीं रखना। आप माचिस की तीली रख दें और सुबह उठकर उस माचिस की तीली को लेकर और जला दें, बस इतना करना है। यदि यह तो हुई डर वाली बात, यदि आपका बच्चा या परिवार का कोई मेंबर डर रहा है, लगता है कि उसके साथ कोई, ये आपको हर शनिवार को करना है, धीरे धीरे उसका डर एकदम समाप्त हो जाएगा। वैसे एक बार में ही उस दिन, जिस दिन करके देखना, जिस दिन ऐसा लगता है, आप एक दिन करके देखना, आपको उस दिन अपना बच्चा डरता हुआ ही नहीं दिखेगा, एकदम आराम से बिल्कुल अच्छी नींद में सोएगा, जो भी परिवार का मेंबर है एकदम अच्छी नींद में सोएगा। साथ ही यदि आपको ऐसा लगता है कि आपका परिवार में कोई ज़्यादा कलह हो रही है, या किसी ने आपकी घर में आने वाली लक्ष्मी बांध दी है, कारोबार बांध दिया है, नौकरी छूट गई, कोई ऐसा जादू टोना कर दिया, कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश कर गई है, तो आप इसके लिए एक माचिस में एक तीली लें, उसे रात्रि में घर के मुखिया के, जो घर का मुख्य व्यक्ति है, उसके सिरहाने रख दें, उसके तकिए के नीचे, या उसके सिरहाने पलंग के नीचे भी आप रख सकते हैं, रख दें। सुबह उठें, उसे लेकर पूरे घर में घूमें और उसे ले जाकर बाहर जला दें, माचिस सहित तीली भी जला दें। आप देखना, धीरे धीरे आपको यह हर शनिवार करना होगा, कुछ शनिवार तक लगातार करना होगा, क्योंकि ये सारी
जो चीजें होती हैं एकदम आसानी से नहीं समाप्त होती। मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने एक शनिवार किया और आपको फायदा पूरी 100% तरह से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप लगातार करते रहेंगे, आपको फर्क जरूर दिखने लगेगा, कुछ ना कुछ आपको चेंज लगेगा। यदि आप नींद के लिए किसी बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसकी नींद में आपको अलग अंतर दिखेगा। यदि आप धनलक्ष्मी के लिए कर रहे हैं तो आपको धनलक्ष्मी में भी अंतर दिखने लगेगा, लगेगा कि कहीं से रास्ते दिखाई देने लग गए। लेकिन 100% फायदा एक बार में नहीं होगा, आपको कंटिन्यू हर शनिवार करना ही होगा। बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन जब आप उपाय करते हैं, आप मन में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कोई संशय नहीं होना चाहिए, कोई यह नहीं होना चाहिए कि ये कार्य होगा या नहीं होगा, इसके करने से क्या होगा। आप पूरा पूरा विश्वास रख के, पूरी श्रद्धा रख के यदि कार्य करते हैं, आपका जिस भी कार्य के लिए करना है आपको, सबसे बड़ी ये समस्या तिली, ऐसा कहा जाता है जो माचिस की तिली है वह शनि ग्रह को भी प्रभावित करती है। यदि आपके ऊपर शनि दोष चल रहा है, राहु केतु आपके दुष्ट ग्रह हैं और बुरे चल रहे हैं आपके साथ, उसमें भी आपको अंतर दिखाई देता है। जो भी दुष्ट शक्तियां होती हैं वह आपके पास से तो निकलेंगी ही, साथ में शनि ग्रह, राहु देश, केतु के दोष जो भी होते हैं, धीरे धीरे सब समाप्त होने लगेंगे और आपका जीवन बहुत ही सहज और सरल हो जाएगा। करके देखें अवश्य, श्रद्धा विश्वास के साथ। ओम नमः शिवाय।